हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला है बी बी एम के यू यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिक्स वालों का डी एस सी 3A 3B या तो फिर 3C, यानी कि जिसका फॉरेन पॉलिसी और मेजर पावर है, या तो जिसका इंटरनेशनल लॉ, या तो फिर जिसका पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, ठीक है। क्योंकि डी एस सी पेपर में सभी प्रकार के स्टूडेंट का डी एस सी पेपर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। किसी का फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर हो सकता है, किसी का इंटरनेशनल लॉ हो सकता है, किसी का पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हो सकता है। ये बात आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा है? तो ये आपका एडमिट कार्ड में लिखा होगा, जो आपके एग्ज़ाम होने वाला है DSC 3, उसमें लिखा होगा फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर या इंटरनेशनल लॉ या तो पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो इसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हालांकि ये सभी का क्वेश्चन का आंसर मैंने करवा दिया है, बट आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे और कॉमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलने गया था, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया था, ठीक है। तो ये सभी का वीडियो कहाँ पे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा। और जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो प्लेलिस्ट भी आपको फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर के नाम से मिल जाएगा, इंटरनेशनल लॉ सर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया के नाम से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है, तो फिर जाकर के प्लेलिस्ट वाला जाकर के सेक्शन क्या कर लो, आप लोग चेक कर लो, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा BBM की 3A 3B 3C, ठीक है। तो हम तीनों कैटेगरी वाले, तीनों प्रकार के स्टूडेंट वालों के लिए जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले देखेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस सभी का क्वेश्चन का आंसर मैंने करवा दिया, अगर नहीं देखें तो जाकर के देख लो, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है अलग अलग से। पॉलिटिकल पार्टी और ये फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर का अलग से क्वेश्चन का लिंक डाला गया है, इंटरनेशनल लॉ का अलग से लिंक डाला गया है, पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया का अलग से लिंक डाल दिया गया है। जाकर के आप लोग चेक कर लो, ठीक है, और वहीं से अच्छे से दे करके तैयारी कर लो। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले देखते हैं हम लोग DSC 3A फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर वालों का, ठीक है, जिन भी सारे स्टूडेंट का है। तो इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, तो विदेश नीति क्या अर्थ क्या होता है इसका निर्धारक तत्व, प्रमुख शक्तियां का अर्थ निर्धारक तत्व हो गया। तीसरा हम बात करूँ तो अमेरिका विदेश नीति का प्रमुख मुद्दा। चौथा UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम की विदेश नीति। ये बस हम चौथा नहीं करवाएं, हम सिर्फ चौथा नहीं करवाएं, UK वाला बाकी पाँचवा भी करवा दें, फ्रांस की विदेश नीति, छठा भी करा दें, रूस की विदेश नीति, और सातवां चीन की विदेश नीति। मतलब सारा है सिर्फ UK का जो है ना, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की विदेश नीति, ये मैंने नहीं करवाया, बाकी सारा मैंने करवा रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लो। तो ये खत्म हो गया आपका DSC 3A फॉरेन पॉलिसी और मेजर पावर वालों का, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिसका भी DSC 3B ग्रुप है, यानी कि जिसका इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है। तो उनका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की उत्पत्ति और विकास, ये सभी का क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन का नहीं मिलेगा, वो एक अलग बात है, बट लगभग क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में ग्रोटियस का योगदान। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत। चौथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिता करने एवं प्रगतिशील विकास। पाँचवा शांति का कानून के अंदर राज्यों का मान्यता, राज्यों का उत्तराधिकार, शांति संधि दायित्व, ठीक है, ये नहीं मैंने करवा रखा है। छठा प्रत्यपरण और हस्तक्षेप। सातवां अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपाटन, मान्य कि निपटान मतलब हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हम लोग कैसे शांत कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया वो सारा जाकर के क्वेश्चन का आंसर क्या कर लें, आप लोग पढ़ लें, ठीक है। ये आपका सिलेबस से उठाया गया टॉपिक्स, ठीक है। और ध्यान देना, सेमेस्टर सिक्स है, सेमेस्टर सिक्स में क्वेश्चन घुमा करके देता है। आपको लगेगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, और आपको आ रहा है, ठीक है, फिर भी क्वेश्चन घुमा के देगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर हम नहीं जानते हैं। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है, और एग्ज़ाम को अच्छे से लिख करके आना है। उसके बाद चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिसका DSC 3C है, DSC 3C यानी कि पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया है, ठीक है, जिनका। तो उनके लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, DSC 3C पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, ठीक है, राजनीतिक दल, प्राकृतिक और महत्व। इनमें से लगभग क्वेश्चन का आंसर मैंने करवा दिया है, नहीं देखें तो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। राजनीतिक दल, प्राकृतिक और महत्व। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस व्यवस्था का विकास। तीसरा है स्वतंत्र भारत में दलीय व्यवस्था की प्रकृति। चौथा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस होगी और BJP यानी कि भाजपा। पांचवा, झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दल। ध्यान देना,
झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दल और भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका, ये लगभग लगभग राजनीतिक दलों एक ही हो सकता है, ठीक है। जब आप लोग क्वेश्चन से आंसर देखोगे ना, तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल या तो फिर राजनीतिक दल की भूमिका ये एक ही है, बट वहाँ पे झारखंड के बारे में लिखना है और यहाँ पे भारत के बारे में। तो जब मैंने भारत के बारे में करा रखा था ना, तो दो टॉपिक्स ऐसे आए थे जो झारखंड से रिलेटेड थे, तो बस झारखंड से पूछा जाएगा, तो वही दो टॉपिक्स लिखना, बाकी सारा उठा करके भारत में लिख देना। अभी बात कैसे पता चलेगा, जब जाकर के क्वेश्चन का आंसर देखोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक दल और चुनावी प्रक्रिया, साथ में भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका और कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, बस एक छोटा सा वीडियो था, इन्फॉर्मेशन देना था, ठीक है। बाकी DSC 4 के लिए मैं आपको एक और वीडियो दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।